and after that i was not reducing at all one day my mom came across Mam's channel and she told me to just mail her let's try what happens let's see what happens that's what she told me and then uh, luckily uh, i got a mail uh, reply back and then we've started my journey in 4 months i've uh, reduced uh, around 13 kgs and mujhe weight se zyada health improve and mera jab पीरियड्स होते थे आई यूज टू हैव सिवियर है डे इवन वेन आई वॉज लेन माई बेड अब मुझे कुछ भी नहीं है आई डोंट गेट अटल बॉडी दैन दैट आई टोटली फाइन उसके बाद जब मेरा इम्यूनिटी बहुत इम्प्रूव हुआ आई वॉज रियली थैंकफुल टू मैम अब मुझे आई डोट हैनी कोल्ड और फीवर्स फ्रीक्वेंटली एनी मोर I've improved my health so much that even my family is very shocked. Uh, they're very happy that I've uh, gained a lot of health. And what I've come to know in this diet plan is that it's not a diet plan for weight loss, but also for health. Uh, this is a healthier way of living. This is what I've come to know. Uh, I really hope that many people come up uh, and see MAM's diet plans so that they improve their health and they start living a healthier life a uh, healthier way of their lives thank you so much fam uh, for you know coming uh, in my life if i have to say, if i can say that uh, i really hope that many people do see your videos and you know be more healthier than they are now thank you so much हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मैं हूँ डॉक्टर शिखा और ये है मेरी क्लाइंट दिव्या दिव्या ने लूज़ किया है अराउंड थर्टीन के इन जस्ट फोर मंथ्स इतनी यंग एज में गाइस दिव्या जब मेरे पास आई थी तब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी वेट तो उनका ज़्यादा था ही उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी उनके पीरियड्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिजीनेस होती थी चक्कर आते थे और बहुत वीक फील करती थी वो उनको बॉडी पेन होता था पीरियड्स पेन होता था और उनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो थी बार बार बीमार पड़ती थी लेकिन आज जब उन्होंने थर्टीन के लूज़ किया है हेल्दी लाइफ फॉलो किया है उनकी उनका वेट तो लूज़ हुआ ही हुआ है साथ ही साथ उनको अब ये सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल गया है ना ही अब उन्हें पीरियड्स में बॉडी एक होता है ना ही पीरियड्स पेन होता है ना ही वो डिजीनेस होती है चक्कर आते हैं ना ही वो वीक फील करती हैं और उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी हो गई है अब वो बार बार बीमार नहीं पड़ती बैस आज की जो वीडियो है वो वेट लॉस के बारे में ज़रूर है लेकिन बात आज सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में होगी जैसे हम घर पर करते हैं अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हैं आज हम वैसे बात करेंगे गाइज पता नहीं क्यों हम वेट लॉस से इतना डरते हैं इतना स्ट्रेस ले लेते हैं वेट लॉस के नाम पर गलती हमारी नहीं है एक्चुअली वेट लॉस को ना एक बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है वेट लॉस इतनी बड़ी चीज़ नहीं है एक छोटा सा हर्डल है हमारी लाइफ का हमने अपनी लाइफ में कितने सारे बड़े बड़े काम करे हैं इतने मुश्किल काम करे हैं तो वेट लॉस क्या है वेट लॉस क्यों नहीं कर सकते वेट लॉस कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है सिर्फ छोटे छोटे से चेंजेस करने हैं हमें अपने डाइट में अपने लाइफ में बहुत सिंपल सिंपल से चेंजेस और फिर देखिए वेट लॉस होता चला जाएगा और हमारी बॉडी हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती चली जाएगी ओवरवेट होना क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं भी 110 किलो की थी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं लेकिन आपको सबसे ज्यादा वही समझ सकता है और आपको सोल्यूशन भी वही बता सकता है जो खुद उस फेस से गुजर चुका हो और उसको ओवरकम भी कर चुका हो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जब मैं खुद 110 किलो की थी और डाइट करती थी बहुत ज़्यादा डरती थी बहुत मुश्किल लगता था मुझे वेट लॉस करना लेकिन मैंने इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ सीखी है कि अगर आप अपने वेट लॉस को जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देते हैं तो चांसेस हैं कि आप अपने आइडियल वेट के ऊपर पहुंच जाएंगे अपना वेट लॉस कर लेंगे मोटिवेटेड रहेंगे लेकिन यहीं पर अगर आप अपने वेट लॉस के प्रोसेस को ड्रैग करते हैं धीरे धीरे अपना वेट लॉस करते हैं तो चांसेस हैं कि बीच में ही आप अपना मोटिवेशन लूज कर देंगे और वेट लॉस नहीं कर पाएंगे ये मेरा एक्सपीरियंस है uh, मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ बहुत सारी डाइट्स फॉलो कर चुकी हूँ बहुत एक्सरसाइजेस कर चुकी हूँ लेकिन जब मैंने अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग किया और जल्दी जल्दी वेट लॉस किया तब मैं इसको अचीव कर पाई नहीं तो बीच बीच में मोटिवेशन लूज़ हो जाता था और फिर वापस मैं अपने एक्सेस वेट के ऊपर आ जाती थी तो मैं आप सब लोगों को भी यही एडवाइस करूँगी कि फुल डिटर्मिनेशन के साथ इस डाइट प्लान को आप फॉलो करिए सारी चीज़ें जो मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ बता रही हूँ उनको फॉलो करिए और जल्दी से अपना वेट लॉस करके ख़त्म करिए क्योंकि तभी आप मोटिवेटेड रहेंगे अपने गोल वेट पर पहुँच पाएंगे और उसके बाद और काम भी तो करने हैं लाइफ में सारी ज़िंदगी सिर्फ वेट लॉस तो नहीं करते रहेंगे हमें अपनी फैमिली अपनी लाइफ अपने करियर पर फोकस करना है और चीज़ें भी अपनी लाइफ में करनी दिव्या को मैंने डाइट प्लान के साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी बताई जो आज आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ ये कि आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है जब भी आप डाइट फॉलो कर रहे हैं सात से आठ घंटे की नींद लेनी है टाइम पर सोना है टाइम पर उठना है रात को दस साढ़े दस आप सो जाइए और सुबह अराउंड सिक्स सिक्स थर्टी आप उठिए तभी आपको मिलेंगे बेस्ट रिजल्ट्स, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको डेली अपना वेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपको पता लगेगा कि जो डाइट आप फॉलो कर रहे हो वो आपकी बॉडी पर कैसे एक्ट कर रही है थर्ड चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर पानी का इनटेक करना है अराउंड 3.5 लीटर्स वाटर आपको ज़रूर लेना है जिससे कि आप अननेसेसरी जंक uh, फूड नहीं खाएंगे ओवर ईटिंग नहीं करेंगे और आपकी बॉडी की हेल्थ अच्छी रहेगी वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना कोशिश करिए कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें डाइवर्ट करें सो so दैट आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकें शुरू करते हैं दिव्या का डाइट प्लान डाइट uh, प्लान में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप रात को टाइम पर सोएंगे सुबह टाइम पर उठेंगे वॉशरूम यूज़ करके सबसे पहले आप अपना वेट चेक करेंगे और सबसे पहले चीज़ जो अर्ली मॉर्निंग हमने लेनी है वो है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक मॉर्निंग ड्रिंक में दिव्या को जो मैंने मोस्ट कॉमनली दिया है जिसने उनको बहुत बेनिफिट दिया है वेट लॉस में और uh, उनके पीरियड्स के क्रैम्स को कंट्रोल करने के लिए वो है हमारी अशोका टी कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ सिंपल सी क्विक सी अशोका टी बना रहे हैं हम सबसे पहले मैंने एक पैन को हीट कर लिया है उसमें पानी डाल देंगे हम अब इसके अंदर डालेंगे एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट हमारा ये अशोका की छाल है यानी कि अशोका ट्री का बाघ है ये बहुत ही मैक्यूलस है पीसीओडी पीसीओएस के केसेस के लिए क्योंकि ये पीरियड्स को रेगुलराइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है इसको डाल दिया है हमने पैन में अगर आपके पीरियड्स इरेग्युलर है तो ये आपके लिए बहुत ही मैजिकली वर्क करेगा अगर आपको पीरियड्स में पेन होता है तब भी ये आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज है अब पैन की लिड लगा देंगे इसको कवर कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे हाँ अब पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है हमारा देख लेते हैं बहुत अच्छे से इसका सारा एक्सट्रैक्ट पानी के अंदर आ गया है और वन एंड हाफ ग्लास पानी हमारा वन ग्लास रह गया है अब यहाँ पे हीट को हम ऑफ कर देंगे जब टी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी इसको सर्व कर देंगे हम इसको हमने ल्यूक पीना है ये टी मैजिकली वर्क करेगी आपके ऊपर अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है अगर आपके पीरियड्स इरेग्युलर हैं तो उनको रेगुलराइज करने में हेल्प करेगी अगर आपको पीरियड्स का पेन बहुत ज्यादा होता है तो उसमें आपको हेल्प करेगी ये वेट लॉस इंच लॉस में हेल्प करती है अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो ये है हमारी अशोका टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वेट लॉस में और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी स्पेशली अगर आपको इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है या हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है या पीरियड्स क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है तब आप इसको ज़रूर यूज़ करिए आपके लिए मैजिकली वर्क करेगी अराउंड सेवन सेवन थर्टी आपने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेनी है उसके बाद आपने लेना है अपना ब्रेकफास्ट अराउंड एट एट थर्टी के पा, आसपास आपने अपना ब्रेकफास्ट लेना है ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है दिव्या को मोस्टली जो मैंने ब्रेकफास्ट में दिया है वो है हमारी मूँग दाल इडली कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ अपनी प्रोटीन रिच मूंग दाल इडली बना रहे हैं सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर जार ले लिया है हाफ कप मैंने मूंग धुली दाल ले ली है येलो लेंटल इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने और अराउंड फोर आवर्स मैंने इसको सोक करके रख दिया था इससे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है और बहुत अच्छे से ग्राइंड भी हो जाती है दो स्पून मैंने यहाँ पे पोहा ले लिया है फ्लैट राइस इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है अगर आपके पास घर पे पोहा अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे दो स्पून राइस भी डाल सकते हैं कुक्ड राइस अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी घर की जमी हुई दही या लो फैट कर्ड अराउंड टू स्पून अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो चॉप्ड जिंजर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर अदरक एक ग्रीन चिली डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हरी मिर्च बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ अराउंड टू स्पून के आसपास जिससे कि ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाए अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं सॉल्ट डाल दूंगी जार की लिड क्लोज कर देते हैं और इसको ब्लेंड कर देते हैं बहुत अच्छे से दाल हमारी ब्लेंड हो गई है और ये बैटर बिल्कुल रेडी है इडली प्रिपेयर करने के लिए अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट या इनो इनो इडली के बैटर में बिल्कुल लास्ट में डालना है डालकर उसे छोड़ना नहीं है एकदम से उसे हमें मोल्ड में पोर कर देना है नहीं तो इडली हमारी बिल्कुल भी फूलेगी नहीं इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना बस इतना कि ये सारे के सारे बैटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए ये इडली का मोल्ड ले लिया है हमने और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर रही हूँ बस अब इडली का जो बैटर है वो हम इसके अंदर पोर कर देंगे बहुत ऊपर तक हमें फिल नहीं करना क्योंकि इडली हमारी फूलेगी भी अगर आपके पास ये मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कटोरी में भी बना सकते हैं और अगर आपके पास इडली स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं तो ये हमारा स्टीमर है और इसमें मैंने पानी बॉयल करना रख दिया था पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है अब जो अपना इडली मोल्ड है वो मैं इसके अंदर लगा दूंगी अब इसकी लिड को हम क्लोज कर देंगे और अराउंड 15 मिनट्स में हमारी इडली बन के रेडी हो जाएगी अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं चेक कर लेते हैं कि इडली हमारी कुक हो गई है कि नहीं इसका लिड ओपन कर लेते हैं और अपनी इडली को हम एक नाइफ़ की हेल्प से चेक करेंगे बस इडली के अंदर नाइफ डाल के देखना अगर नाइफ़ के ऊपर बैटर नहीं चिपकता और नाइफ बिल्कुल क्लीन है इसका मतलब इडली हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है अब एक स्पून की हेल्प से हम अपनी इडली निकाल लेंगे और बहुत इजीली ये निकल आएगी क्योंकि हमने ऑयल अप्लाई किया था अपने इडली मोल्ड के ऊपर हमारी इडली सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है देखिए कितनी स्पॉन्जी कितनी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल इडलीज बनी है हमारी मूंग दाल की प्रोटीन रिच है ये आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या लंच में ले सकते हैं अगर आप अपना वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डिनर में भी ले सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाली है आपको आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको सांबर के साथ भी खा सकते हैं बहुत अमेजिंग वेट लॉस देगी आपको बहुत हेल्दी है प्रोटीन रिच है तो ये है हमारी टेस्टी डिलिशियस थी मूंग दाल इडली मूंग दाल इडली लेने का मन नहीं है अगर किसी दिन तो आप ले सकते हैं मेरे चैनल पर ओट्स और रागी की इडली है तीनों इडली मैंने आपको ऑप्शन दिया आप बदल बदल कर भी ले सकते हो अगर आप इडली नहीं खाना चाहते तो आप ले सकते हैं मूंग दाल डोसा उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है आप ऐसे एक या दो डोसा अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं चटनी के साथ अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं रोटी पराठा सेवन रोटी पराठा की रेसिपी मेरे चैनल पर है आप इसको ले सकते हैं अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर सैंडविचेस की रेसिपी है आप इसको ले सकते हैं टेन डिफरेंट टाइप के सैंडविचेस हैं इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन आप बदल बदल कर यूज़ करिए सो दैट आप ये डाइट प्लान बहुत लंबे टाइम तक फॉलो कर सकें और अपने आइडियल वेट के ऊपर पहुँच सकें इसके साथ आप वन कप मिल्क या फिर हाफ कप लो फैट कर्ड या फिर आप वन कप टी या कॉफ़ी ले सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शुगर या जागरी आपको इसमें नहीं ऐड करनी आप इसमें स्टीवे ऐड कर सकते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं अपने मिड मॉर्निंग स्नैक की एट एट थर्टी आपने ब्रेकफास्ट ले लिया उसके बाद अराउंड 10 10:30 पर आप अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स जरूर लीजिए लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जब आप मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हैं तो आप अपने लंच को ओवर ईट नहीं करते आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो मिड मॉर्निंग स्नैक ज़रूर लीजिए और मिड मॉर्निंग स्नैक में हमेशा मैं आपको एक फ्रूट देती हूँ ये फ्रूट को कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम है और इससे डेली आप अपने डाइट में एक फ्रूट ज़रूर इंक्लूड करते हैं और फ्रूट्स के भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं तो बहुत सारे एंटी और बहुत सारे वाइटाम्स हमें मिलते हैं फ्रूट्स से तो एक फ्रूट इस टाइम पर ज़रूर आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए और फ्रूट कैसा होना चाहिए फ्रूट ऐसा होना चाहिए जो आपके एरिया में फ्रेश हो सीज़न का हो लोकल हो सस्ता हो ऐसा एक कोई भी फ्रूट आप अपने डाइट में इस टाइम पे इंक्लूड करिए इसके बाद बात कर लेते हैं लंच की लंच जो है आपका वन टू टू के आसपास आपने करना है और लंच में मोस्ट कॉमनली जो मैंने दिव्या को दिया है इस डाइट प्लान के साथ वो है हमारा सांभर दाल कैसे बनाना है इसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ सांबर दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पर एक कुकर रख दिया है अब ये मैंने दाल ले ली है ये तुअर दाल या फिर अरहर दाल है इसको मैंने भिगो कर रख दिया था अराउंड थर्टी मिनट्स के लिए और इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी और थोड़ा पानी डाल देंगे अब कुकर की लिड बंद कर देंगे और इसको कुक कर लेंगे हम अराउंड फोर टू फाइव विसल्स आने तक जब तक हमारी दाल कुक होती है इन द मीन वॉयल हम अपनी वेजीज प्रिपेयर कर लेते हैं एक पैन को मैंने गैस पे रख दिया है वन स्पून ऑयल डाल दिया है इसमें थोड़ा सा एसिफिटेडा यानी हींग डाल रही हूँ थोड़े से मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई थोड़ा जीरा यानी क्यूमिन सीड्स दो सूखी हुई लाल मिर्च यानी रेड चिलीज थोड़ा धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर थोड़ी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी अब इन सब चीजों को थोड़ा सा सोटे कर लेंगे हम थोड़ा कुक कर लेंगे अब इसमें मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता यानी करी लीव्स चॉप्ड अनियंस डाल रही हूं इनको थोड़ा बड़ा चॉप किया है मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले के साथ और हम अच्छे से कुक कर लेंगे इसको थोड़ा सा सोटे कर लेंगे जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको कुक कर लेंगे अच्छे से अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सांबर मसाला इसमें मैं डाल रही हूं कैरेट्स चॉप यहां पे मैं डाल रही हूं सहजन यानी कि ड्रम स्टिक्स चॉप्ड कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी थोड़ी सी लौकी ले रही हूं यहां पे आप पमकिन भी डाल सकते हैं इसमें थोड़े से पीस डाल रही हूं मटर और ये टमाटोस चॉप अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे हम इसमें और इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको थोड़ा सोटे कर लेंगे कुक कर लेंगे यहां पे आप कोई भी वेजिटेबल्स जो आपके घर में अवेलेबल हो आप इसमें यूज कर सकते हैं अब ये सब्जियां हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ टैमरिन वाटर यानी इमली का पानी थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी मैं इसमें इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसके ऊपर हम लिड लगा देंगे और इसको कुक कर लेंगे अराउंड फाइव टू टेन मिनट्स अब देख लेते हैं दाल का क्या हाल है इसमें से स्टीम निकल गई है फोर टू तो फाइव विसल्स तक हमने इसको कुक कर लिया था और दाल हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है देखिए अब देख लेते हैं वेजिटेबल्स का क्या हाल है वेजिटेबल्स भी हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं अब दाल को हम इसमें मिक्स कर देंगे ये मैं डाल रही हूं इसमें दाल अब बहुत अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देंगे हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर देंगे अगर आपको लगता है कि इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं इसमें और इसको बस थोड़ी देर तक हम कुक होने देंगे साथ में और जब इसमें बहुत अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए तो आइए अब इसको सर्व कर देते हैं लुक एट दिस ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस सांबर दाल ये खाने में भी उतनी ही ज्यादा टेस्टी एंड यमी है आई प्रोमिस यू फॉर दैट तो गाइज ये हमारी टेस्टी डिलिशियस सी सांबर दाल इसको आपने एक बोल लेना है और इसके साथ आपने एक बड़ा बोल सैलड का इंक्लूड करना है और अपने सांबर में आपने खूब सारी वेजिटेबल्स डालनी है तो ये एक बहुत ही हेल्दी डिश है प्रोटीन रिच डिश है और मैंने दिव्या को बहुत ज़्यादा दी है उनके डाइट में सैलड में आपने ध्यान रखना है कि सॉल्ट नहीं डालना आप पेपर और लेमन डाल सकते हैं तो ये आपने लंच में लेना है अगर आप अपनी सांबर दाल लेके बोर हो जाते हैं तो मेरे चैनल पर सेवन दाल के ऑप्शन हैं आप चेंज कर करके इनमें से कोई भी दाल अपने लंच में इंक्लूड कर सकते हैं एक छोटा बोल आपने आ, दाल का लेना है और उसके साथ एक बड़ा बोल आपने सैलड इंक्लूड करना है अपने लंच में अगर आप ये लेना चाहते तो मेरे चैनल पे मूंग दाल स्प्राउट्स की रेसिपी है तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी एक रेसिपी है और जब दाल स्प्राउट हो जाती है तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं वाइटमिन सी उसके अंदर बढ़ जाता है और वो फाइबर uh, रिच हो जाता है आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है तो मूंग दाल स्प्राउट सैलड आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो चना चाट सैलेड की रेसिपी है मेरे चैनल पर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं हाई इन प्रोटीन है हाई इन फाइबर है इसको आप इंक्लूड करिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा और बहुत देर तक फुल भी रखिएगा अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप ले सकते हैं कीनुआ सैलड इसकी भी रेसिपी है मेरे चैनल पर आप उसको जाके देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सैलड है आपको बहुत देर तक फुल रखेगा सेशिएटेड रखेगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है इसके साथ आपने एक बड़ा बोल सैलड ज़रूर इंक्लूड करना है अपने लंच में इसके बाद बात कर लेते हैं अपने इवनिंग स्नैक की इवनिंग स्नैक हमको अराउंड फोर थर्टी टू फाइव के बीच में लेना है और इवनिंग स्नैक में हम लेंगे ग्रीन टी और उसके साथ लेने हमें सोक नट्स तो अराउंड एट टू टेन पीसेस कोई भी मिक्स नट्स आप सोक करके इस टाइम पर ले सकते हैं और इस टाइम पर अगर आप एक छोटा सा स्नैक लेते हैं तो आप अपने डिनर को ओवर ईट नहीं करते आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो हाई रहता है इवनिंग स्नैक के बाद आती है हमारी डिनर की बारी डिनर जो है किसी भी डाइट प्लान के साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशल पार्ट है क्योंकि अगर आप अपना डिनर टाइम पर खाते हैं हेल्दी खाते हैं और डिनर में ओवर ईटिंग नहीं करते तो आपका जो पूरे दिन का डाइट है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस करने में हेल्प करता है दिव्या को इस डाइट प्लान के साथ मोस्टली जो मैंने डिनर में दिया है वो है हमारी मिक्स वेज करी कैसे बनाना है उसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती सुपर डिलिशियस मिक्स वेज करी बना रहे हैं हम सबसे पहले मैंने एक पैन को हीट कर लिया है अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वन स्पून ऑयल सिर्फ इतना ही डालना है हमें अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज यानी कि हरी मिर्च चॉप्ड जिंजर यानी कि अदरक चॉप्ड गार्लिक यानी कि लहसुन इसको भी डाल देंगे पैन के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर यानी कि रेड चिली पाउडर अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे थोड़ा सॉटे कर लेंगे थोड़ा सा कुक कर देंगे और ये हमें बिल्कुल लो या मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि ये जले नहीं अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉप्ड अनियन लेकिन अगर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते तो आप इसके अंदर से इसको स्किप कर सकते हैं बहुत ईजीली अब अनियन को सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा सोटे कर लेंगे थोड़ा कुक कर देंगे हम इसको ये मैंने अराउंड एट टू टेन काजू यानी कि कैशोनट्स को एक घंटे के लिए थोड़ा गर्म पानी में सोक करके रख दिया था अब इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे पानी नहीं डालना है सिर्फ कैशोनट्स डालेंगे हम पैन के अंदर अब इनको भी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सॉटे कर लेंगे हम ये मैंने ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट आप यहाँ पे फ्रेश कोकोनट यानी कि नारियल भी ले सकते हैं जिसको आप ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं अराउंड टू स्पून मैंने डाल दिया है पैन में इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ अब ये मैंने ले लिया है चॉप टमाटो इसको भी डाल देंगे पैन में इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे इस वक्त पर हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, कुक हो जाएं। अब एक लिड से इसको कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे हम अराउंड टेन मिनट्स हो गए हैं चेक कर लेते हैं सब चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं पल्पी हो गए हैं टमाटोज़ हमारे अब हीट हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से ठंडा होने देंगे अब एक ब्लेंडर जार ले लेंगे ले हम और सारी चीज़ों को हमने ब्लेंडर जार में डाल देना है और इसको बहुत अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे अब इसकी लिड को हम क्लोज कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर दिया है और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ग्रेवी बन गई है हमारी अब वही सेम पैन हमने ले लेना है और उसको हमने हीट कर लिया है अराउंड वन स्पून इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे बहुत ही थोड़ा सा अब मैंने ले लिए यहाँ पे चॉप कैरेट यानी कि गाजर फ्रेंच बीन्स ले लिए हैं मैंने इसको भी डाल दिया है पैन में ये मैंने ले लिए हैं मटर यानी कि ग्रीन पीस इसको भी डाल दिया है पैन में अब मैंने यहाँ पे ले ली है फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर इसको भी डाल दिया है पैन में आपके पास घर पे जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं सिर्फ आपने आलू इसमें अवॉइड करना है थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पे सॉल्ट अब इन सारी सब्ज़ियों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है थोड़ा सा सॉटे करना है थोड़ा कुक करना है बहुत ज़्यादा हम इनको कुक नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुक करने से सारी सब्जियों के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम इसको बहुत कम कुक करेंगे और वैसे भी ये जो सब्जियाँ हैं ये थोड़ी क्रंची अच्छी लगती हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे बस थोड़ा सा सॉटे करना है अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे आपस में अब ये जो ग्रेवी हमने ब्लेंड करके रखी हुई है इसको डाल देंगे पैन के अंदर सारी वेजिटेबल्स के साथ इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि सारी की सारी सब्जियां ग्रेवी में कोट हो जाएं तो हमारी मिक्स वेज करी बन के बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लग रही है बस इसको हम थोड़ी देर के लिए, लिए लिड से कवर करके कुक होने के लिए छोड़ देंगे अराउंड फाइव टू टेन मिनट्स के लिए बिल्कुल सिम या मीडियम फ्लेम के ऊपर तो इसको मैं एक लिड से कवर कर रही हूँ ये है हमारी सुपर गोज सुपर डिलिशियस सुपर न्यूट्रिशियस मिक्स वेज करी जो अमेजिंग है फॉर वेट लॉस आप इसको अपने ब्रेकफास्ट लंच या डिनर किसी भी मील में खा सकते हैं और गारंटी है आपको बहुत पसंद आएगी तो गाइज़ ये है, है हमारी मिक्स वेज करी बहुत ही ज़्यादा डिलिशस है मेरी वन ऑफ द फेवरेट है और बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगी आपको तो एक बड़ा बोल आप ये ले सकते हैं साथ में आपको एक बड़ा बोल सैलड इंक्लूड करना है अपने डिनर में लेकिन कोशिश करें कि डिनर आप अपना सिक्स थर्टी खाना स्टार्ट कर दें सो दैट सेवन ओ से पहले पहले आपका डिनर जो है वो फिनिश हो जाए और सात बजे के बाद आपकी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो मेरे चैनल पर ये डिनर रेसिपीज़ की वीडियो है आप जाके देख सकते हैं और इनमें से कोई भी एक डिनर रेसिपी आप अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं बदल बदल कर बहुत ज़्यादा टेस्टी है और वेट लॉस आपको बहुत फैबुलस देंगी अगर आप ये नहीं खाना चाहते तो मेरे चैनल पर टेन सूप्स की रेसिपी है इनमें से कोई भी एक सूप आप अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं लाइट भी रहेगा और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगा लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें सॉल्ट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सॉल्ट इसमें बहुत कम होना चाहिए सॉल्ट बहुत ज़्यादा आपको इसमें यूज़ नहीं करना है अगर आप आप ये नहीं लेना चाहते और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मेरे चैनल पे एग्स की रेसिपी है आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिनर पे या फिर मेरे चैनल पर चिकन की रेसिपीज हैं आप इनमें से कोई भी एक रेसिपी अपने डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं प्रोटीन रिच है और आपको बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देगी डिनर आप अपना सेवन ओ तक फिनिश करके अराउंड नाइन नाइन थर्टी लीजिए अपनी नाइट ड्रिंक नाइट ड्रिंक जो है किसी भी डाइट प्लान के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस डाइट प्लान के साथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपनी नाइट ड्रिंक लेते हैं तो वो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देती आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके रखती है आपको वेट लॉस में हेल्प करती है और आपके खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है इस डाइट प्लान के साथ जो मैंने दिव्या को डाइट uh, ड्रिंक दी है मोस्ट कॉमनली जिसने दिव्या uh, को वेट लॉस इंच लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करा है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी दिए वो है हमारी टर्मरिक टी कैसे बनाना है इसको चलिए मेरे किचन में मैं बताती हूँ गैस टर्मरिक टी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है उस पानी है उसको गैस पर रख दिया है मैंने ये टर्मरिक रूट है मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है सब्जी वालों के पास अगर आपको ये ना मिले तो आप नॉर्मल टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं मैंने इसको ग्रेट कर लिया है एक चम्मच डाल रही हूँ मैं पानी में एक चम्मच ग्रेटेड अदरक है जिंजर इसको भी पानी में डाल देंगे वन फोर टी ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है मैंने ये भी डाल देंगे इसमें ये दो दालचीनी की स्टिक्स हैं सिनेमन स्टिक्स इसको भी पानी में डाल देंगे इसको मिला देंगे अच्छे से बस दैट सिंपल इसको ढक देंगे लिड लगा देंगे और बॉईल होने देंगे अब जब ये बॉईल हो जाएगा तो लिड हटा देंगे और बस गैस ऑफ कर देंगे इसको स्ट्रेन कर लेंगे हम छान लेंगे और इसको गरम-गरम ही पीना है हमने एक ग्लास अगर आप यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप सिर्फ दो या तीन पिंच ही यूज करेगा क्योंकि वो तासीर में बहुत ज्यादा गर्म होती है तो बहुत ज्यादा क्वान्टिटी में नहीं यूज करेंगे तो रेडी है हमारी टर्मेरिक टी तो गाइज ये है हमारी टर्मरिक टी तो टर्मरिक टी जो है वो बहुत ही मेडिसिनल है तो आपको बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स तो देती ही देती है साथ में बहुत अमेजिंग इंच लॉस भी देती है वेट लॉस भी देती है और अगर आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है तो ये आपके लिए मैजिकली वर्क करेगी तो गाइज़ इसको आप ज़रूर इंक्लूड करिए अराउंड नाइन नाइन थर्टी आपने टर्मरिक टी लेनी है और कोशिश करना है कि टेन टेन थर्टी आप सो जाएँ दिव्या ने बहुत डेडिकेटेडली बहुत सिंसेअरली ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करी हैं सारा डाइट प्लान सारे मील्स और टाइमिंग्स बिल्कुल प्रॉपर्ली फॉलो करें और धीरे धीरे करते करते दिव्या का वेट लॉस भी हुआ है और दिव्या ने अपनी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करी है तो गाइज़ अगर आप भी करना चाहते हैं दिव्या के जैसा वेट लॉस और अपनी हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये सारा डाइट प्लान आप फॉलो करिए जो मैंने आपके साथ शेयर करा है वो सारी गाइडलाइंस जो मैंने दिव्या को दी थी सारी की सारी एज इट इज़ मैंने आपको बताई हैं ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सकें वेट लॉस कर सकें और हेल्थ बेनिफिट्स भी ले सकें Guys, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो यूजफुल लगी हो बेनिफिशियल लगी हो तो इसको थम्सअप जरूर दीजिएगा इसको जरूर लाइक करिएगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली हैं जिनके साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए जिनको इसकी जरूरत है तो ज़रूर शेयर करिएगा उनकी भी हेल्प होगी अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी जल्दी से करिए सब्सक्राइब क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी देती हैं और आपको अमेजिंग वेट लॉस करने में भी हेल्प करती हैं अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करिए मैं वहाँ पर भी शेयर करती रहती हूँ अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के अमेज़िंग ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक स्टेट्यूट टू माई चैनल गाइज बाय नाउ ooh 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 ooh